बोट को तो हम सजेस्ट ही नहीं करते भाई, बेहतरीन लुक है ना सीरियसली यार बोट का है। लेकिन उसके अलावा क्या, ये आपको मिल जाता है कान के अंदर घुसने वाला, ठीक सबसे बेस्ट निकल करके आता है। रियलमी में तो आपको भैया डेडिकेटेड एयर, ओप्पो में भी आप ऐप में जाके आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हो अगर हम 50% वॉल्यूम में सुनते हैं तो। अगर हम 3000-4000 TWS की बात कर ले तो वहां भी ये कॉम्पीट कर जाएगा। यहाँ पर अगर तीनों TWS की बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेना तो देखो हमारे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट रहेगा यार। तीनों में से ही कौन सा होने वाला है सबसे बेस्ट पूरा डिस्कस करेंगे। और देखो यहाँ पे वीडियो में ना हम एकदम डिटेल नहीं जाने वाले हैं, तीनों का एकदम डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। अगर एक एक बर्ड्स के बारे में डिटेल में जानना है तो वो जाके देख सकते हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे देंगे। और हाँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन बेस्ट है वही बात करने वाले हैं। बाकी इन तीनों का कंपैरिजन हमने क्यों किया, क्योंकि देखो तीनों ही ना एक ही सेगमेंट में आते हैं प्राइस सेगमेंट में, और तीनों ही अलग अलग ब्रांड से आते हैं, और तीनों ही लेटेंसी के मामले में बेहतरीन है। तो यार कंपैरिजन तो बनता है कौन सा है सबसे बेस्ट। तो स्टार्ट कर रखते हैं वीडियो यार, सबसे पहले लुक्स की बात कर लेते हैं। तो देखो यार यहाँ ना अपना पर्सनल ओपिनियन ले लेना, ये आपको मिल जाता है कान के अंदर घुसने वाला, ठीक है रियलमी वाला, ओप्पो वाला भैया कान के अंदर घुस जाता है। और यहाँ पे इसकी बात कर ले बोट वाला, तो ये थोड़ा सा भाई आपका एयरपोर्ट जैसे लुक्स वाला आता है। तो यहाँ पे लुक्स आपका ओपिनियन बन जाता है, लेकिन हमारे हिसाब जो सबसे बेहतरीन लुक है ना सीरियसली यार बोट का है। लेकिन उसके अलावा क्या, सबसे इम्पोर्टेंट ये पहले साउंड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको म्यूजिक क्वालिटी चाहिए, बेस की बात नहीं कर रहे हैं कि भम भम वाला बेस, ठीक है म्यूजिक क्वालिटी रिच साउंड जिसको कह सकते हैं, इमर्सिव साउंड कह सकते हैं, चाहे वो वोकल्स हो मिड्स हो हाई हो सब एक बराबर आए, साउंड में डिस्टॉर्शंस ना हो, बैकग्राउंड जो म्यूजिक होती है इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेहतरीन बजे कानों में, तो उस मामले में ना ओप्पो एनको बर्ड्स सबसे बेस्ट निकल करके आता है। बस यहाँ पे आपको एक ही चीज कम मिलेगा इन दोनों से, वो है लाउडनेस। लेकिन वो लाउडनेस इतना है कि आप फुल वॉल्यूम पे बहुत देर तक नहीं सुन सकते, जब मन करेगा तभी सुन पाओगे, बहुत ज्यादा नहीं। कहने का मतलब है कि छोटे ड्राइवर्स हैं शायद 8 mm के आसपास है, लेकिन इतना भी लो नहीं है कि आपको लेगे नहीं, बहुत ज्यादा कम है, लेकिन इन दोनों कंपेरिजन में कम है। अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पर, किसको हम रख रहे हैं सेकंड नंबर पर, रख रहे हैं रियल यूनिवर्स क्यूटी नियो को। वजह बता दें यहाँ पे भाई आपको मिल जाता है बढ़िया बेस, जिसको बेस हैवी साउंड पसंद है ना उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट बन जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिड्स भी और हाइज भी अच्छे मिल जाते हैं। ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है ओप्पो की ज्यादा बेहतरीन है रियलमी से मुकाबले, लेकिन रियलमी की भी साउंड क्वालिटी अच्छी है। अगर आपको बेस पसंद है तो यही पसंद आने वाला है रियलमी बड्स कंटिन्यू। अब इसके बाद आ जाते हैं बोट, बोट को तो हम सजेस्ट ही नहीं करते भाई म्यूजिक क्वालिटी के लिए। ये वाला TWS भाई खुद के जो इनके TWS है ना 1000-1200 के, उससे भी गंदा साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करता है। इवन 5.2 यहाँ पे 8 mm का ड्राइवर्स भी है, उसके बावजूद देखो बेस बहुत तगड़ा है, बेस नो डाउट इन दोनों शायद ज्यादा ही होगा, ठीक है। लेकिन साउथ में वोकल्स होते हैं जो हाइज होता है ना वो सब गायब है भाई, यहाँ पे जो बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना वो समझ ही नहीं आते, मतलब पूरा आप समझ लो म्यूजिक क्वालिटी में डिस्टॉर्शन ही मिलता है, आपको मजा नहीं आता यार। सोचो कि नहीं 1500 के हिसाब से आपको साउंड क्वालिटी मिल जाता है, इनका खुद का सारा TWS 1000 रुपए का आता है 161, अभी शायद 1200-1300 का है या फिर इसके अलावा 141, ये सब में ज्यादा बेहतर आपको साउंड क्वालिटी मिल जाएगी बोट के बता। और वही इनके कम्फर्ट की बात कर ले यार, तो तीनों ही कम्फर्टेबल है। यहाँ पे हम सबसे ज्यादा कम्फर्टेबल कहेंगे बोट को, उसके बाद जो है रियलमी और ओप्पो को, क्योंकि बोट जो है ना बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है कंफर्ट के मामले में। वही इन ईयर फिट की बात कर ले तो तीनों यार ऑसम है। आप चाहे कितना भी हार्ड को रनिंग कर लो, जिम कर लो, ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, आपके कानों में एकदम बने रहेंगे, आप टेस्ट हमारा देख ही सकते हो। ओवरऑल अगर बात कर ले तो कम्फर्ट और इन ईयर फिट में तीनों ही अच्छे हैं। और यहाँ पर अगर लेटेंसी की बात कर ले, आप ऑनलाइन क्लासेस कर लो, वीडियो कॉल्स कर लो, ऑफिस मीटिंग वगैरह कर लो, आपको तीनों में कोई दिक्कत नहीं होगी, सबकी लेटेंसी बेहतरीन है। पेपर पे क्या लिखा रहता है उससे मतलब नहीं होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है ना वो आपको बताते हैं, ठीक है। सब कंपनी यहाँ पे 60-60 ms लिख दे रही है तो भैया उससे कुछ नहीं होता यार, ये रेस है एक तरीके का। लेकिन यहाँ पे जब गेमिंग एक्सपीरियंस की बात आ जाती है ना, वहाँ परफॉर्मेंस आप चेक कर लो किसकी लेटेंसी बेहतर है, सबका आप टेस्ट करके दिखा देते हैं।
हमारे हिसाब से देखो सबसे बेहतरीन जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ना वो आपको मिलने वाला है ओप्पो इनको बर्ड्स में, क्योंकि जो इसका क्वालिटी हमने देखा है साउंड क्वालिटी जो एक गेमिंग TWS में होना चाहिए वो साउंड क्वालिटी इसकी है। और उसके बाद हम सेकंड नंबर रखेंगे रियल यूनिवर्स क्यूटी नियो को, उसके बाद भैया आपका बोट 181 समझ लो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए भाई अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो ओप्पो इनको बर्ड्स बेस्ट है। तो यार यहाँ पे अगर ब्लूटूथ और उसके वर्जन की बात कर ले तो यार ओप्पो और बोट मिल जाता है 5.2 और यहाँ पर रियल में मिल जाता है आपको 5.0। लेकिन यहाँ पे इंस्टेंट कनेक्शन की बात कर लेना तो उसमें ओप्पो और रियल में बेस्ट परफॉर्म करता है। ओप्पो क्या है भाई, जैसे आप केस ओपन करते हो ये मोबाइल से तुरंत पेयर हो जाता है, वहीं रियलमी केस ओपन करने पे नहीं, ये TWS निकालने पे तुरंत पेयर हो जाता है। और वहीं बोट जो है जैसे ओपन करते हो इसको पेयर होने का ऑप्शन है लेकिन पेयर होता नहीं है तुरंत, ठीक है। इनका जो IWP टेक्नोलॉजी है इंस्टा वेकअप पेयर है ना बहुत ही बेकार कहेंगे, होता है थोड़ा टाइम लगाता है, स्लो है और 5.2 के मुकाबले यार बेहतरीन परफॉर्म नहीं करता, इवन रियल में ज्यादा बेस्ट परफॉर्म कर देता है। बस केस ओपन करने पे पेयर नहीं होता, बस ये पंडा है। ब्लूटूथ रेंज यहाँ पे 10 मीटर देखने को मिल जाता है तीनों में ही, लेकिन जो दीवार आते हैं बीच में सभी कनेक्ट डिसकनेक्ट हो जाते हैं। सबसे बेहतरीन अगर हम बात कर ले कनेक्शन की तो यहाँ पे ओप्पो में आपको देखने को मिलता है, उसके बाद बोट में, फिर उसके बाद रियलमी में, वो भी 5.0 कहीं ना कहीं 5.2 के मुकाबले कम अच्छा है। उसके अलावा यहाँ ब्लूटूथ में आपको AC कोडेक देखने को मिल जाता है बोट में, रियलमी में, ओप्पो में, लेकिन ये कोई बड़ी चीज नहीं है तो 1000 रुपए के अंदर भी समय मिल जाता है। लेकिन यहाँ ओप्पो में आपको देखने को मिल जाता है डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, जो कि सिर्फ आपके मोबाइल में अगर डॉल्बी एटमॉस तभी सपोर्ट करेगा, लेकिन हाँ जो क्वालिटी आती है ना उससे बहुत ही बेहतरीन हो जाती है और मूवीज एक्सपीरियंस वगैरह बहुत ही अलग लेवल का हो जाता है, समझ रहा। ये दो गए ब्लूटूथ और उसके वर्जन की बात। यार ये जो आप हमारी आवाज सुन रहे हो वो सुन रहे हो ओप्पो एनको बर्ड से, कैसी लग रही है यार खुद ही जज कर लेना। और हमारे हिसाब से ना कॉलिंग एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी हो सबसे बेस्ट हमको यही लगा है हर मामले में, बाकी आपको कैसा लग रहा है यार खुद ही जज कर लेना। यार ये जो आप हमारी आवाज सुन रहे हो वो सुन रहे हो रियल बर्ड्स क्यूट्यू न्यू से, कैसी लग रही है यार इसकी आवाज, है ना। हमारे हिसाब से ये भी बेहतरीन परफॉर्म करता है, ऐसा कॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और TWS वगैरह में कुछ अगर प्रॉब्लम्स रहती है ना तो उस पर भी हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, जाके देख लेना अगर आप लोग यूज कर रहे हो और आप लोग TWS में कॉलिंग वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है तो। बाकी इसकी क्वालिटी कैसी लग रही है जज कर लेना यार तीनों कंपेयर करके। बोट एयरडॉप्स 181 से भाई ये आवाज हमारी रिकॉर्ड हो रही है, आपको कैसी लग रही है यार जज कर लेना, तीनों की वॉइस क्वालिटी हमने आप तक पहुंचा दी है और तीनों में ही हमको सबसे बेस्ट ओप्पो लगा है फिलहाल जो है जब हम कॉल वगैरह करते हैं तब। बाकी यार यहाँ पर कोई भी ब्रांड हमको अप्रोच नहीं करता है कोई भी प्रोडक्ट के लिए, खुद अपने पैसों से खरीद करके आपको रिव्यू करते हैं, जो भी एक्सपीरियंस हम फील करते हैं ना वही आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी कैसी लग रही है क्वालिटी यार खुद ही जज कर लो आप। और यहाँ पे रियलमी में तो आपको भैया डेडिकेटेड ऐप भी देखने को मिल जाता है और ओप्पो में भी आपको हे मेमोरी ऐप में जाके आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हो, गेम वगैरह ऑन कर सकते हो और टच फीचर्स को भी, किसी ने बताया था नहीं ना हम बता रहे हैं। तो ये जो चीज है ना इनको थोड़ा बेहतर बनाती है यहाँ बोर्ड से। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं भैया टच फीचर्स की, तो यार बहुत सारे हैं फिर से बोल रहे हैं, जाके यार इनकी डेडिकेटेड वीडियो देख लेना, बनाए हुए यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यहाँ बताएंगे तो, समझ लो ना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों का वीडियो का है जो डिटेल में रिव्यू किए हैं। बाकी बर्ड्स में टच रिस्पॉन्स ना सबसे बढ़िया यहाँ पे हमें बोट का लगा है, उसके बाद ओप्पो और रियलमी का, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा TWS नहीं है जिसका टच रिस्पॉन्स खराब हो, सभी का टच रिस्पॉन्स बढ़िया है, बस बोट का थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया है। बात कर सकते हैं भैया इनके बैटरी बैकअप वगैरह की, देखो यार बोट अभी हम 1-2 दिन से यूज कर रहे हैं तो अभी इसका रियल टाइम बैटरी बैकअप नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो इन दोनों का एक्सपीरियंस है ना वो बता रहे हैं, उसके हिसाब से इसको भी जज करेंगे। यहाँ पे ओप्पो का जो है 24 आवर्स की बैटरी लाइफ है, लेकिन आराम से हमको यहाँ 20-22 घंटे का मिल जाता है अगर हम 50% वॉल्यूम पे सुनते हैं तो, और वहीं पे 50% वॉल्यूम पे आपको रियलमी दे देता है करीब 17-18 घंटे के आसपास, और अंदाजा है कि बोट भी यही देगा, क्योंकि बोट की भी जो कंपनी ने बोला है 20 घंटे के आसपास और रियलमी का 20 घंटे बोला है, तो बोट भी आराम 16 घंटे के आसपास दे ही देना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म रिव्यू जब उसका कवर करेंगे तो वहाँ हम रियलिटी बता देंगे आपको। ऑल ओवर बैटरी के मामले में भी ओप्पो एनको बर्ड्स ज्यादा फ्रेश निकल करके आता है। इस रियलमी में एक ही चीज़ है वो है हर माइक्रो USB। रियल में हम ये नहीं करें नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, लेकिन इसी को अपडेट कर दो यार, बड़ा बेकार लगता है आज के टाइम पे। तो यार अब बात कर लेते हैं इनके जो है बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे भैया सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी ओप्पो की लगी है और प्रीमियम भी भैया ओप्पो बहुत लगता है, इवन अगर हम 3000-4000 TWS की बात कर रहे हैं तो वहां भी ये कॉम्पीट कर जाएगा प्रीमियमनेस में। इतने दिन से यूज कर रहे हैं यार, मिनिमम स्क्रैचेस हैं जो भी हैं कह सकते हो, इतना दिक्कत नहीं दे रहा। और यहाँ पर रियलमी में भाई स्क्रैचेस अच्छे खासे पड़ गए हैं,
और बोट में भी भाई पड़ेंगे ऐसा हमको लगता है। बाकी प्रीमियम ये भी लग रहा है 1500 के हिसाब से की है। और यहाँ पे हिंज की बिल्ड क्वालिटी बात कर रहे तो भी ओप्पो की वन ऑफ द बेस्ट लगी यार हमें। और यहाँ पे रियलमी की उसके बाद कहेंगे, और फिर उसके बाद बात करेंगे बोट जो है सबसे हल्की भी हिंज क्वालिटी के साथ आता है। उसके अलावा यहाँ पे फिनिशिंग भी बोट की अच्छी नहीं है, देखने में प्रीमियम लग रहा है लेकिन जो फिनिशिंग होती है ना वो यहाँ पे ओप्पो की वन ऑफ द बेस्ट कहेंगे, उसके बाद रियलमी की, उसके बाद बोट की। और यहाँ पे मैग्नेटिक की बात कर ले यार तो ना बोट के TWS गिरते हैं, ना ओप्पो के गिरते हैं समझ लो, और ना ही रियलमी के गिरते हैं। सबके लगे हुए, ऐसा नहीं लगे नहीं है। और यार यहाँ पर अगर तीनों TWS की बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले ना तो यार देखो हमें तीनों को ही अच्छे लगे हैं लेकिन जो फिनिशिंग है वो सबसे अच्छी यहाँ पर रियलमी और ओप्पो की है। ठीक है, बोट की फिनिशिंग थोड़ी सी कम अच्छी लगी है और पेंट क्वालिटी में भैया सबसे बेस्ट ओप्पो की लगी है, उसके बाद रियलमी की और उसके बाद बोट की। और एक चीज़ बता दें, जो ईयर टिप्स है ना यहाँ पे सबसे आपको बेहतरीन मिल जाते हैं ओप्पो में, जो ईयर टिप्स की क्वालिटी होती है उसके बाद रियलमी में। और भैया आप ईयर टिप्स के मामले में बोट भी पीछे नहीं है, ईयर टिप्स की क्वालिटी इसने बढ़ा दी है। ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है नंबर वन भैया ओप्पो का रखेंगे। अब ओवरऑल अपना ओपिनियन शेयर कर दे यार, तो देखो हमारे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट रहेगा ओप्पो हर मामले में, हम कहेंगे चाहे वो बैटरी ले लो, ठीक है ब्लूटूथ तो अच्छा है ही है ना, इंस्टेंट कनेक्शन भी आपको देखने को अच्छा मिल जाता है, लुक्स भी प्रीमियम है यार। अब अगर बोट के सामने लुक्स कंपेयर करोगे तो आपको वहां भाई जज करना पड़ जाएगा आपके हिसाब से कौन सा बेहतर है, लेकिन हम बता दें प्रीमियमनेस ओप्पो के साथ है। ठीक है, जो क्वालिटी है ना प्रोडक्ट्स की वो ओप्पो के साथ है। उसके अलावा यहाँ पे भाई आप चाहे म्यूजिक क्वालिटी की बात करो, हमें बड़ी अच्छी लगी यार, क्योंकि एकदम बेस हैवी हमको नहीं पसंद है। बहुत लोग का आज के टाइम पे सिर्फ बेस हैवी नहीं चाहिए, म्यूजिक क्वालिटी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन अच्छा चाहिए भाई, सब कुछ जो है ना डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं चाहिए, तो वो चीज़ आपको ओप्पो में नहीं मिलने वाली है। उसके अलावा रियल में भी आप सजेस्ट कर सकते हो अगर साउंड क्वालिटी में आपको बेस पसंद है, बाकी बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए, तब आप रियल भी सजेस्ट कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा भाई गेमिंग में भी ओप्पो बेस्ट निकल कर आ जाता है और इन ईयर फिट भी अच्छा ही है यार, आप कहीं भी जा सकते हो, जॉगिंग वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑल ओवर हर मामले में आपको ओप्पो जो है बेस्ट मिलेगा, समझ रहे हो, तो हम ओप्पो ही सजेस्ट करेंगे। उसके अलावा अगर आपकी सिर्फ नीड जो है ना वीडियो कॉल करने की है, ऑनलाइन क्लासेस की है, ऑफिस मीटिंग वगैरह आप बहुत करते हो, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको TWS वायर करना है तो इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन कॉल क्वालिटी सुपीरियर ओप्पो की ही है, उसके बाद ही इन दोनों की है, बाकी रियल में भी आप ले सकते हो, लेकिन लेटेंसी आपको किसी में भी नहीं मिलेगी। क्योंकि बहुत लोग सोच रहे होंगे आप भाई लुक्स हमको ओप्पो का पसंद है, बोट का पसंद है, तो हम क्या करें यार, हमको सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस करनी तो बोट ही ले तो ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे साउंड क्वालिटी मैटर नहीं करता है। तो ऑल ओवर यार हमने अपना ओपिनियन बता ही दिया है, बाकी यार बहुत मेहनत कर रहे हैं चैनल पर, सच्चे और अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं यार, क्योंकि सारे प्रोडक्ट हम खुद अपने पैसों से खरीदते हैं, सोचते हैं जितना सही हो सके उतना आपको रिकमेंड करें प्रोडक्ट। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो यार, हम हर एक कमेंट जवाब देते हैं, आपका भी देंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना यार, और बेल नोटिफिकेशन को ऐसा मारना कि चमक जाए आपसे हमेशा के लिए, हमारी सच्ची और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को शेयर जरूर करना यार, उन लोगों को शेयर करना जिसको इस टाइप की प्रोडक्ट्स की जरूरत हो। चलो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे और सच्चे कंटेंट के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।